ये प्रदर्शनी मत लगा पाए मेरे प्यारे इस माँ की ये आवाज आपका कलेजा चीर कर रख देगी, दिल की गहराइयों तक घुस जाएंगी। इस माँ ने अपना बेटा खोया है, जवान बेटे का शव सरहद से अभी घर पहुंचा भी नहीं, वो संभली भी नहीं, लेकिन नेताओं का तांता लगना शुरू हो गया। नेताओं के आने में कोई समस्या नहीं, मदद करने में भी कोई समस्या नहीं, लेकिन मदद के नाम पर जो यहाँ हो रहा है सवाल उस पर है, सवाल है उस फोटो वाली अपॉर्चुनिटी पर जिसके लिए नेताजी एक माँ के बदहवासी को भी देख नहीं पा रहे। वो तो बस उस लम्हे को कैमरे में कैद करना चाहते हैं ताकि उसे सोशल मीडिया पर डालकर वाहवाही लूटी जा सके। लेकिन आज समय बेटे के खोने के गम में डूबी माँ कैसे चुप रह सकती है। वो बोल पड़ी और जब बोली तो ऐसा बोली कि सियासतदानों की सियासत को ही नंगा कर दिया। दरअसल जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता वीरगति को प्राप्त हो गए। शुभम की इस शहादत से पूरा आगरा शहर ही नहीं देश मातम मना रहा है। शुभम के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, घर पर सांत्वना देने वालों का तांता लग रहा है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने वीर सपूतों के लिए 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। बस ऐलान हुआ नहीं कि शुक्रवार को योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय शहीद शुभम के घर पहुंच गए। योगी सरकार के मंत्री परिजनों को 50 लाख की सहायता राशि का चेक सौंपने गए थे, लेकिन तभी शहीद कैप्टन की माँ ये देख कर बिलख पड़ी और उन्होंने कहा, प्रदर्शनी मत लगाओ, मुझे मेरा बेटा शुभम लौटा दो। माँ की ऐसी करुण पुकार सुनकर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी अवाक हो गए। उनको कुछ सुझाई ही नहीं दिया कि करे क्या। ये सुनकर मौके पर मौजूद भीड़ की आंखें डबडबा गई। शहीद की माँ एक ही रट लगाई जा रही थी, मुझे मेरा बेटा शुभम लौटा दो। माँ की चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया। शहीद कैप्टन की माँ ने चेक लेने से इनकार कर दिया। माँ के मना करने के बाद पिता को 50 लाख का चेक सौंपा गया। आपको बता दें कि योगी सरकार घोषणा के मुताबिक पैतृक गांव में शहीद शुभम गुप्ता के नाम पर स्मारक बनाया जाएगा। इधर इस वीडियो पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्षी दल माँ की पीड़ा को भूल कर इस वीडियो को सियासी फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, गिद्ध। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी परिवार को चेक देने के नाम पर फोटोशूट कराने का आरोप लगाया है। सपा ने एक्स पर लिखा, मंत्री शहीद के परिवार को अपमानित करने के लिए माफी मांगे। खैर, सियासत तो होती रहेगी, लेकिन शहादत पर सियासत शर्मनाक है। शर्मनाक है फोटो खिंचवाने की ये लत और शर्मनाक है उस वीडियो का राजनीति के लिए इस्तेमाल होना। क्या एक माँ के लिए सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, उसके आगे कोई भी पैसा, कोई भी शोहरत, कोई दौलत, कुछ भी नहीं। अब इस वीडियो पर, इस करुणामय वीडियो पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।